भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रतिनिधि सभा का बैठक बैनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष व राज्य मंत्री बाबूराम निषाद, पिछड़ा वर्ग के महानगर अध्यक्ष श्रवण पटेल सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक की शुरुआत अतिथियों द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित करके किया गया। तत्पश्चात आयोजकों द्वारा मुख्य अतिथि का स्वागत माल्यार्पण करके किया गया। बैठक में पिछड़ी समाज के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित किए जाने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में राज्य मंत्री बाबूराम निषाद ने 2019 में लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी पर लग जाने को कहा। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का काम करें, जिससे 2014 लोकसभा चुनाव से भी अधिक बहुमत से 2019 में मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाया जा सके। साथियों, हमारे बीच में जिला भी मैं खुद जगजीत सिंह से द्वार गौतम मौर्य चलिए ठीक बेकार हो जाएगा माल में दोबारा हो जाएगा, सभी साथियों के साथ हो जाएगा। साथियों, पदाधिकारी और माननीय मंत्री जी, साथियों, सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप सभी ने प्यार किया मेरा और आपको सबको आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब मीडिया के बंधु